भाभी क्यों बदल गई? कोयल शादी के बाद जिस घर में आती है वहाँ सास ससुर के सिवा दो ननदें भी थी, लेकिन दोनों शादीशुदा। कोयल ने सोच लिया था कि वो इस घर को जीत कर रहेगी, लेकिन होता कुछ और है। यार ये कोयल कैसी लगी तुझे? ठीक ही है, बस माँ एडजस्ट कर ले इसके साथ, हम दोनों तो वैसे ही शादीशुदा हैं। चलना कल घर चलते हैं, देखते हैं क्या करती है वो सारा दिन घर पर। ठीक है दीदी, मैं कल आ जाऊंगी। दोनों ननदे मायके आती है जहाँ पिता बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे, माँ अंदर सब्जी काट रही थी और कोयल वो तो कहीं नहीं थी। क्या पापा बाहर क्यों बैठे हैं? बहू ने निकाल दिया क्या? चलिए अंदर देखिए, कैसी लूसी चल रही है, चलिए। तो अरे नहीं नहीं, अंदर लाइट नहीं आ रही है, रोशनी भी कम है और हवा भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी जाकर चेयर यहीं लगा लो। क्या माँ, तुम क्यों काम कर रही हो? कहाँ है वो राजकुमारी? अरे सुबह से ही कोयल लगी है, मैंने अभी भेजा है जबरदस्ती कि जाओ जाकर लेट लो। पता नहीं क्यों इतना काम करती है, जब से आई है वक्त पर खाना पीना, वक्त पर दवाई, सब की जिम्मेदारी ले ली है उसने। वो तो हम भी कर रहे हैं ना माँ अपने ससुराल में, सभी को तो करना पड़ता है, उसमें वो नया क्या कर रही है? पापा के सफेद कपड़े कैसे पहले चमकते थे, अब देखो तो कितने मैले कुचैले लग रहे हैं। कौन धोता है? धोती तो बहू ही है, लेकिन क्या करे बेचारी, मशीन ही खराब पड़ी है। सबके कपड़े हाथ से धोना, उसके भी तो मुलायम छोटे छोटे हाथ हैं। हाँ हाँ, और हम लोगों के हाथों में तो चक्का लगाए ना, अरे बस भी करो माँ। दोनों बहनें माँ बाप को काफी भड़काने की कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पर कहते हैं ना, बेटी तो बेटी होती है उन लोगों के जाने के बाद। क्या बात है माँ जी, कोई आया था क्या? हाँ वो तेरी दोनों ननदे आई थी। अरे तुम मुझे उठाया क्यों नहीं माँ, मैं भी मिल लेती ना दोनों दीदियों से। अरे ना बेटा, तभी तो तू सोने गई थी, मैंने उन लोगों को खाना बनाकर खिला दिया, चिंता ना कर। कोयल को सास की बात अच्छी लगती है, वो अंदर जाने लगती है कि सास उसे टोक देती है। बेटा वो तेरे ससुर जी के कपड़े काफी मैले कुचैले लगते हैं, थोड़ा ठीक से धोया कर। हाँ जी माँ जी, कोयल सास को कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में जब पति आता है तो कोयल उससे कहती है, सुनिए पापा के घर के पहनने वाले कपड़े काफी पुराने हो गए हैं, मैंने कई बार उसे धोया लेकिन उनमें चमक ही नहीं आती, अगर आप कुछ पैसे देते तो मैं पापा के लिए घर पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आऊं। हाँ हाँ कोयल, क्यों नहीं, जरूर। अगले दिन कोयल खाना बनाकर बैठी ही होती है कि छोटी ननद आ जाती है। अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ, आपको अच्छा लगता है ना? वो माँ कहाँ है? कोयल को अजीब सा लगता है कि ननद ने उसे पूछा तक नहीं, ना ही नमस्ते किया। सामने से माँ आती है। माँ वो मैं बाजार जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। अच्छा माँ जरा नींबू पानी बना देना, बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ तू बैठ, मैं बना कर लाती हूँ। कोयल को लगता है कि बेटी है, माँ के हाथ का स्वाद मिस करती होगी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दीदी मैं भी बाजार जा रही हूँ, आपके साथ ही चलती हूँ। ननद भाभी दोनों मार्केट जाती है जहाँ कोयल ससुर जी के लिए कपड़े लेती है। क्या जरूरत है भाभी, पापा को उनकी पसंद के कपड़े ले देती ना, उन्हें ही यहाँ पर लाकर। पर दीदी पापा तो लुंगी ही पहनते हैं और एक ही डिजाइन की, तो इसमें पसंद ना पसंद की क्या बात है? आपसे क्या बोलना। मार्केट में कोयल की किसी दुकानदार से बहस हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि ननद उसका साथ देने के बजाय भीड़ का हिस्सा बनी खड़ी होती है, जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। कोयल घर आती है। अरे बेटा क्या जरूरत थी नए कपड़ों की? पापा मैंने ना आपके कपड़े धोने की काफी कोशिश की, लेकिन वो पुराने हो गए थे ना, इसलिए ऐसे मैले से लग रहे थे। सास भी समझ जाती है कि कोयल ने कपड़े धोने में मेहनत तो की ही होगी। एक रोज फिर दोनों ननदें आती है। कोयल अब दोनों ननदों को मनाने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकालती है। ये साड़ी दीदी को दे देती हूँ, मेरी नई साड़ी है, कम से कम साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। दीदी ये साड़ी आप ले लीजिए, और छोटी दीदी मैं आपकी पसंद की पालक पनीर बनाती हूँ, आप लोगों के आने से घर में कितना अच्छा लगता है ना। दोनों कुछ नहीं बोलती।
अब तो जब भी दोनों ननदें घर आती, कोयल के सास ससुर को भी भड़काकर चली जाती, जिसके बाद से ही दोनों का रवैया कोयल के लिए कुछ दिनों के लिए बदल जाता। पता है कोयल, मेरी छोटी बेटी सास को घर में एक काम करने नहीं देती, सारा दिन बिठा के खिलाती है। कम से कम तुझे मेरा साथ तो मिला है, क्यों? कोयल कुछ नहीं कहती, लेकिन अब वो थक चुकी थी ससुराल के लोगों को प्यार से सम्मान से साथ बांधने की कोशिश कर करके, लेकिन ननदे वैसी की वैसी ही रही। अब कोयल ने सोच लिया कि वो ननदों से बात करेगी। जब बड़ी ननद घर पर फोन करती है, हेलो हेलो कोयल, माँ को फोन देना। सभी को फोन लगा लिया लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। ओ, तभी आपने मेरे फोन पर फोन किया दीदी, और वो भी सीधे माँ से बात करने के लिए। क्यों, मैं नहीं हूँ क्या? या मेरा हालचाल पूछने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, या मुझसे मतलब ही नहीं है, क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो वक्त ही नहीं मिलता ना घर के कामों को लेकर। दूसरी ननद से भी कोयल बात करती है, लेकिन वो भी वक्त और काम थकान का रोना रोने लगती है। कोयल को लगता है कि शायद उसकी ननदों से बात करके उसे सब सॉल्व कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ननदों का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, जिसके बाद कोयल भी कुछ ठान लेती है। एक रोज छोटी ननद घर आती है, कोयल भी उसे नमस्ते करके कमरे में चली जाती है, ना ही उसकी पसंद का खाना पूछती है और ना ही चाय। बड़ी ननद को भी कोयल फोन करना छोड़ देती है, और ना ही उन लोगों के स्टेटस चेक करती है, ना ही उन लोगों के आने पर हालचाल पूछती है। दोनों ननदों को कोयल का बदला रूप अच्छा तो नहीं लगता। क्या बात है कोयल भाभी, आपको हमारा यहाँ घर आना अच्छा नहीं लगता क्या? लेकिन हम भी क्या करें, मायका है, माँ बाप है, तो आएंगे तो सही ना। वो काम है थोड़ा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जो भाभी ननदों के आगे पीछे लगी रहती थी, उन लोगों के खाने पीने से लेकर हर बात का ख्याल रखती थी, उसका बदला रूप दोनों ननदों को अखरने लगता है। क्या बात है कोयल, अब हम लोगों से बात भी ज्यादा नहीं करती, ना ही फोन करती है। वैसे तो आप लोग भी मुझे कभी नहीं पूछती थी ना, आती तो सीधा माँ के कमरे में। फोन भी मुझे तब करती जब घर में किसी का फोन ना लगता हो, और करती भी तो सीधे माँ से बात करा दो। मेरे हाथ का ना खाना खाती, ना सीधे मुँह बात करती, तो मैंने भी अपनी दुनिया में जीना सीख लिया है। अब मैं मस्त हूँ और खुश हूँ, नमस्ते। ये बोलकर कोयल वहां से चली जाती है अपनी दुनिया में।